मेरा नाम रविंदर सिंह चौहान है, मैं सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, नौशहरा से, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। आज हम यहाँ पे राहुल गांधी जी से मिले हैं, हमारा डेपुटेशन था पहाड़ी ट्राइब को लेकर, जो स्टेटस है एसटी स्टेटस के कंसर्निंग हमने उनके साथ बात की है। जो हमारी ट्राइब है, पहाड़ी ट्राइब है, वो एसटी स्टेटस को लेने के लिए अलग अलग जगहों पे उसने धरना प्रदर्शन भी किए, स्ट्रगल भी की। वो एसटी स्टेटस को लेकर कम्युनिटियों को आपस में लड़ा रही है, हमें पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस चाहिए, लेकिन इन्होंने राजनीतिक हथियार बनाकर दोनों कम्युनिटी को लड़ाने का काम किया है, जिसके बारे में हमने राहुल गांधी जी को इस चीज़ के बारे में अवगत कराया। उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, उन्होंने कहा कि आप अपनी जेन्युइन डिमांड जो लेकर आए हो, इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको इस हक को दिलाने में पूरी कोशिश करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा महात्मा गांधी की यात्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी यात्रा हमारे देश में निकाली गई है, और भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से आज के जो देश में हालात हैं और जो ये विभाजनकारी ताकतें हैं, जो नफरत का सहारा, झूठ का सहारा लेके समाज को बांटने का काम कर रही हैं, उसको राहुल गांधी जी समाज में जहाँ जहाँ भी वो यात्रा करते हुए जा रहे हैं, वो मोहब्बत का पैगाम देते हुए जा रहे हैं और नफरत को छोड़ने की बात कर रहे हैं। समाज का हर एक वर्ग आज के टाइम में जम्मू कश्मीर का जो है वो परेशान है, सताया हुआ है, जिनको भारत जोड़ो यात्रा से एक उम्मीद की किरण दिख रही है, और मैक्सिमम लोग हम देख रहे हैं जिस रास्ते से हम भारत जोड़ो यात्रा में गुजर रहे हैं, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग हैं जो भीड़ उमड़ती है और राहुल जी का अभिनंदन करती है और उनसे राहुल जी मिलते भी हैं।